काशी राम ने दिया था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ के जय श्री राम। अरे ये जो ना मैं चूड़ा वाला खड़ा रही चमारा के बैठा है ना, सारे बीमार भी में जुड़ जाओ नौजवान, इन उखाड़ के फेंक देंगे देश से। और मरने के लिए नहीं डरते हम लोग नहीं डरते मरने से भाई। मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था आरएसएस जो है ना आतंकवादी संगठन है, मेरा तो कुछ नहीं उखाड़ा इन लोगों ने, ये डराएंगे बस। अगर तुम लोग डर गए तो इनकी जीत है, और तुम लोग नींद रहे तो डर से आके जीत है। ये बढ़िया एड बनाया जिसने बड़ा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये मेरी बहन बेटियां तो सोच लो, आप लोग ने दुर्गापुर का काली पाली मैं देखता हूँ कौन सी ताकतवर है, मैं भी घर जाऊंगा अड़ा दे मुझे एक्सीडेंट करवा दे मेरा, कुछ नहीं होता, मैं रोजगारियां देता हूँ इनको है ना। एक बहू का अगर छठी उंगली आ जाए तुम रिश्ता ना करो किसी छोरी देखने जाओ, और उसने जो सर पर धरकर नाचो की दुर्गा ने, ये सब मानसिक रूप से आप लोग गुलाम कर रखा है। और गुलामी कैसे हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी, मेरी बात सुनते जाओगे नहीं हटेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, अध्ययन करना पड़ेगा आप लोगों को, छोटी छोटी किताबें दलित साहित्य बाबा साहब की जीवनी पढ़ लो, बाबा साहब की जीवनी पढ़ लो, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब भाग जाएंगे, ये गारंटी है। अगर संविधान नहीं बचाना तो सोच लेना आप लोग कि क्या हुआ, खुलेआम हमारी बहन बेटी को उठा ले जाएंगे ये लोग, ये सारी चीजें होंगी। और मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिलता है। अभी हम लोग हरिद्वार में थे, चमार वाल्मीकि महासंघ बना रखा है वहां पर, और हमने वहां पर रैली निकाली इनके मठ मंदिरों के आगे से, और ये लीला झंडा जो है ना इनका कफन है, ये यूं देख रहे पंडित जी, मारा टाइम आलिया ब्राह्मण थारा भाई तुम्हारा आलिया टाइम। देवकीनंदन ठाकुर को भी मैंने कहा था ये भांड है, ये कोई पुजारी उजारी नहीं है, और ये लोग जो ना पूरे बढ़िया तरीके से आप लोगों के बीच में वो किए जाते हैं। और लड़वाएंगे भी किससे, हमारे लोगों को, हमारे लोगों से लड़वाएंगे। आपसे लड़ने कौन आएगा, एससी से एसटी आएगा, एसटी से ओबीसी आएगा, ये आपस में ऐसे लोगों को लड़वाएंगे। और मैं तो आपको, आप डरो मत, एक आदमी खड़ा हो जाओ लेकिन विचारधारा बाबा साहब की रखो, आपके घरवाले भी गाली देंगे, मेरे घरवाले भी कहते पागल हो गए हो, मेरे घरवाले भी कहते हैं क्यों, बुजुर्ग उन्होंने पुराना टाइम देख रखा है। तो ये लोग जो ना हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ने जाते हो ना तो फिर जो है ना कोई चीज नहीं देखते आप। अब जो है ना आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, और तैयार होने का सबसे बड़ा एक ही हथियार हमारे पास जो बाबा साहब ने दिया, वोट का हथियार। और साहब काशीराम एक बात कहते थे, बैलेट पेपर के साथ साथ ना बुलेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो लड़के मरने के लिए निकले हुए ना घर से, ये क्रांतिकारी लोग हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को पैसे भी चाहिए, खाना भी चाहिए, गाड़ी घोड़े भी चाहिए, और आप लोगों से संरक्षण भी चाहिए। ये अपने लिए लड़ रहे हैं, तो वकील है क्या जरूरत है, आराम से जज लग जाए, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षित लोग हैं, साहब काशीराम जैसे लोग हैं ये लोग। और जो लोग दलाली कर रहे हैं ना हमारे जैसे लोग, हम दलाल हैं पॉलिटिकल पार्टियों के नॉमिनेटेड किए हुए, तू फलाने वाल्मीकि का चेहरा भाई ले जा, चूड़े ने बजा ले जा आम आदमी पार्टी में, तू भाई उसका कांग्रेस का तू इन्हें ले जा। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, इन दलालों से सावधान होना पड़ेगा, ये नेता नहीं है, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं है नेतागिरी करने की, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। नेता वो बनेगा जो भीम की बात करेगा, जो उसके मिशन पे चलेगा। नेता समाज बनाता है, पार्टियां तो दलाल पैदा करती है भाई साहब, जब मर्जी बजा दे। अच्छा भाई संदीप उल्टा बोलने लग गया, राखी ने बुला लो, राखी बोलने लग जाए फलाने को बुला लो, इन दोनों तैयार है। तो ये आप समझ जाओ हम लोग नेता वेता कुछ नहीं है भाई, कार्यकर्ता बन के काम करेंगे और मिशन में काम करेंगे। मैंने तो पन लेकर आजीवन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी ब्राह्मण बनी है ठाकुर पार्टी के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जब भी चुनाव लड़ूंगा इन तीन लोगों को मुझे वोट मत देना, नापाक वोट नहीं चाहिए इन लोगों के। मैं तो